इन सब घटनाओं को हम टुकड़ों में करके न देखें, बल्कि एक सुनियोजित साजिश के तहत ये हो रहा है, का सूत्र कहीं और से संचालित हो रहा है। इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि चाहे पुलवामा का अटैक रहा हो या अभी कश्मीर फाइल्स का रहा हो, ये लंबे समय तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में कारगर नहीं हो पा रहे। पुलवामा का लाभ एक बार ले लिया आपने, राम जन्मभूमि आंदोलन का लाभ ले लिया आपने एक बार, कश्मीर फाइल से थोड़ी उत्तेजना फैली लोगों में, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। अब कश्मीर फाइल्स को कोई देखने नहीं जा रहा उस ढंग से जैसा पहले हो रहा था। तो अब क्या किया जाए, उसके अलावा अब क्या किया जाए? तो जो भाजपा और आरएसएस का जो आईटी सेल है या उनका जो बौद्धिक प्रकोष्ठ है, वो दिन रात इसी काम में लगा रहता है, यही सोच करने में लगा रहता है कि भाई कैसे सांप्रदायिक उन्माद फैलेगा बढ़ेगा और जिसका हम स्थायी तौर पे लाभ ले सकें। भवेश को अच्छी तरह से याद होगा, हम उन दिनों पटना में होते थे रविवार के साथ, रविवार बैंकिंग के साथ होते थे, तो रामनवमी के जो उन्मादी जुलूस होते थे वो हजारीबाग और जमशेदपुर के इलाकों में निकलते थे, बाकी पूरे बिहार में हम कहीं नहीं देखते थे, या उत्तर प्रदेश में तो खैर सोचने की बात ही नहीं थी। दुर्गा पूजा होती थी, दुर्गा पूजा भी बाद में हुई, पहले दशहरे के रामलीलाएं होती थी, ये सारे काम तो होते थे, लेकिन रामनवमी का उग्र जुलूस जिस ढंग से निकलना शुरू हुआ, वो पहले वही हजारीबाग में वहीं पे दंगे हो जाते थे, या आपके यदुनाथ पांडे क्या तो नाम था, एक भाजपा के एक नेता होते थे बजरंग दल, करते थे, बाद में सांसद हुए थे, अभी शायद कहीं हाशिए पर डाल दिए गए हैं, या इसी तरह से दीनानाथ पांडे थे वहां जमशेदपुर में, इस तरह का होता था। अब उसको जो है ये शोध के बाद इन लोगों ने निकाला है कि राम जन्मभूमि रामनवमी के जुलूस के नाम पे अगर अग्रेसिवनेस दिखाया जाएगा तो इससे हिंदू मुस्लिम प्रोवोक्ट होगा, क्योंकि कोशिशें बहुत हुई, उत्तर प्रदेश में बहुत हुई, बिहार में बहुत हुई, लेकिन प्रोकेशन हो नहीं रहा था। जो दूसरा साइड है वो चुपचाप सहन कर लेता था, गालियां भी, जो डंडे भी पड़ गए तो भी, तलाक तीन तलाक का मामला लाए, अजान का मामला लाए, हिजाब का लाए, ये सारे इशूज लाते थे, लेकिन लोग अपने आप में सिमट कर ठीक है। अब जिस तरह से नवरात्र के दिनों में मांसाहार पे प्रतिबंध लगाने की बात की गई, जेएनयू में जिस तरह से बच्चों पे मारपीट की गई, बच्चों के साथ में, ये सारी चीजें मतलब एक टुकड़े में नहीं है, एक एक टुकड़े में नहीं है, ये पूरे इसको 2024 तक ये लोग कंटिन्यूटी में रखेंगे, क्योंकि गुजरात का जो एक्सपेरिमेंट था वो आकर के यूपी में सक्सेसफुल हुआ, और फिर बाद में अब मध्य प्रदेश में उसको दोहराया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं बाद में इसी साल, अगले साल वहां पर भी चुनाव होने वाले हैं, तो जो लगा कि बुलडोजर जो कारगर हुआ है उत्तर प्रदेश में, वही मामा का बुलडोजर, बुलडोजर मामा के नाम से मशहूर हो जाएंगे तो वहां हो जाएगा। अब चूंकि मध्य प्रदेश में उस ढंग की मुस्लिम सघन आबादी तो है नहीं, कुछ एक इलाकों में है, उसमें करके अपना निपटा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक डर का माहौल तो बन जाएगा। ये सारी चीजें देखिए, इतनी सब चीजों की हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन जो मूल बात है वो कुछ और है। जैसा आपने कहा अभी योगी आदित्यनाथ का जो बयान था, जब आपने बताया और भवेश ने भी बताया कि लखनऊ के बगल में जो कौन बाबा था बजरंग मुनि या क्या, उसने कुछ बोला गाली दिया, आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तो गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन हमारी दिल्ली के पुलिस ने भी नरसिंहा नाम यति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, जिसने यहाँ पे बुराड़ी में इतना बड़ा हिंदू महापंचायत किया, जहां पत्रकारों के साथ मारपीट की गई बिना अनुमति के, वो हिंदू महापंचायत हुई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया, ये भी हम कह रहे हैं, चलो ये भी है, लेकिन हम जिस बात की चिंता कर रहे हैं कि आने वाले दिन कितने खतरनाक होंगे, इसकी बानगी आपके बगल में ही, जहां आप बैठते हैं उसके बगल में ही नोएडा के फिल्म सिटी में मिली है, जो गोदी मीडिया का पत्रकार जिसके बारे में किसी ने चर्चा ही नहीं की, रामनवमी के दिन न्यूज 18 का पत्रकार या सीएनएन आईबीएन का पत्रकार सौरभ शर्मा, उनकी पत्नी 9 दिन व्रत रखे लो, नवरात्र में 9 दिन व्रत रहे, रामनवमी के दिन जब डीजे बज रहा था और खूब जुलूस निकल रहा था, इतनी तेज आवाज हो रही थी कि उन्होंने शायद फोन करके पुलिस को खबर कर दी कि भाई अच्छा, वो रात के 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद तो ऐसे भी लाउड स्पीकर आप बजा नहीं सकते हैं, ये पूरे एनसीआर में लागू है। उस भाई ने पुलिस को फोन किया, पुलिस पहुंच गई मौके पे, लेकिन उसको बुला के लाई मौके पे, भाई सीधी सी बात है, 100 नंबर पे या जो भी नंबर उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास होगा,
अगर कोई फोन करता है तो उसकी आइडेंटिटी को लोग छिपाते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस ने उसकी आइडेंटिटी बकायदे बहराई और भीड़ ने, जो उपद्रवी भीड़ थी, उसने दौड़ा लिया, पति पत्नी दोनों को दौड़ा लिया और किसी तरह से जान बचा करके वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी जान बचाई। तो ये जो घटना हुई है, एक तरफ तो है कि मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को आप डरा करके रखना चाहते हैं, बाकी लोगों को भी आप, मतलब रघुवीर साहब जी की एक कविता थी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, वो हम होंगे, आप भी होंगे और भवेश भी होंगे और रविकांत भी होंगे, राजीव भी होंगे, कोई भी होगा, अगर सिविल वार हो जाएगा, जब युद्ध की स्थिति आएगी, तो कोई पूछने नहीं जाएगा कि भाई साहब आप हिंदू है कि मुसलमान है, जब बम फटेगा या पत्थर चलेगा या गोली चलेगी तो उस पर कोई पहचान नहीं करेंगे। तो जो माहौल बनाया जा रहा है, सबसे इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू, जब भी रविकांत भी बात कर रहे थे, हमारे मित्र विनीत तिवारी भी कर रहे थे, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू क्या है, हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम फेल्योर है। चलो ठीक है, भाजपा के लोगों ने वहां न्याय यात्रा की, आप कह सकते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया, यहाँ वहां नहीं किया, यहाँ नहीं किया, कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या किया, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने क्या किया, तृणमूल कांग्रेस किसी भी पार्टी के लोगों ने क्या किया, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम वातानुकूलित कमरों में बैठ करके अपनी हार और अपनी जीत का जश्न मना रहा है। कोई सड़क पर निकलने को तैयार नहीं हो रहा, कोई नहीं जा रहा है सड़क, खरगोन में कोई नहीं गया है वहां जाकर, या वहीं पे धरने पर बैठ जाते, आमरण अनशन पर बैठ जाते। दिग्विजय सिंह किसका ट्वीट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक आरोप लग गया, पता नहीं क्या होगा। अब मामूली बात है क्या कि लोकतांत्रिक देश में जहां चुनी हुई सरकार है, जहां न्याय व्यवस्था है, संविधान है, वहां पे कोई पुलिस सिर्फ आरोपी नाम के मामले में कि जिसके खिलाफ FIR हुआ है, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया है। पहली बात, पत्थर किसने चलाया, किसने नहीं चलाया, इसकी जांच करिए, जांच होगी, जांच मान लीजिए चलो ठीक है, किसी मुसलमान ने की है, आपने FIR किया है, उसका मुकदमा होगा, मुकदमे के बाद जो फैसला होगा वो सजा होगा, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन पुलिस ने FIR पे ही बना दिया, सजा दे दिया, कि पुलिस को अधिकार मिल गया। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जाकर के उस पर लड़ना चाहिए था, संघर्ष करना चाहिए था। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सफलता गुजरात के दंगे के उस समय बाद हो गई थी जब एहसान जाफरी जान की अपनी खैर मांग रहे थे, उनका घर जलाया जा रहा था और कांग्रेस का कोई भी गांधीवादी नेता सड़क पर नहीं निकला उनको बचाने के लिए, या किसी मुसलमान को बचाने के लिए नहीं निकला कि पहले मुझको मारो फिर इनके ऊपर आप तलवार चलाना या तीर चलाना। सबसे बड़ा सिस्टम का फेलोर यहाँ आकर हो रहा है कि कहीं कोई है ही नहीं, मतलब लोग समझते हैं कि भाई ठीक है अब उनकी बात बोलेंगे, वो वैसे ही बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। अब वैसे बोलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि उसको एक अलग नजरिए से पेश किया जाएगा, उनका अलग एक तेवर होगा, उसको होगा। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा था राजीव जी, असली बात जो थी कि दलित और पिछड़ी जातियों के लोग इन जुलूसों में मस्जिद पर तिरंगा भगवा झंडा फहराने में या मुसलमानों की मां बहन की गालियां देने में, इन जुलूसों के जरिए सबसे आगे OBC और दलित बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे हैं। क्यों है ये फेल्योर? भाजपा का नहीं है, RSS का नहीं है, ये फेल्योर समाजवादी, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले दलों का है, उनके विचारों का है। क्यों आप अपने साथ जोड़ पाए, क्यों नहीं समझा पाए कि जो चित्पावन ब्राह्मणों की संस्था है, चित्पावन ब्राह्मणों और मनुवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए ये सारा कुकर्म हो रहा है और तुमको ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? आज तक उनको समझा नहीं पाए, आप यादव कुर्मी और जाटव चमारों की पार्टी बन के रह गए। आपने OBCs की अन्य जातियों की, दलित की अन्य जातियों को कभी लामबंद करने की जरूरत नहीं समझी, इसका कारण यह है। और एक और है, मतलब जिस तरह से अब व्यवहार में दंगे हुए हैं या झगड़े हुए हैं, फसाद हुए हैं, पत्थरबाजी हुई है, आज कोई पदार्थों की मूल्य वृद्धि के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है कि डीजल और रसोई गैस का दाम कितना बढ़ गया है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, सारे मुद्दे ढक गए, जैसे लग रहा है कि बस रामनवमी और जुलूस और पत्थरबाजी और यही सब इशूज रह गए, इसके अलावा कोई इशू। तो एक कामयाबी ये भी मिल गई और इसी को ये लोग देखिए कंटिन्यूटी में रखेंगे, किसी न किसी बहाने इसको रखेंगे, चला करके रखेंगे ताकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव सामने बढ़ जाए और फिर उसके बाद तुरंत कर्नाटका, फिर ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सारे राज्यों, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। अगर पॉलिटिकल इसका काउंटर नहीं होगा, सोशल काउंटर नहीं होगा, लोग खुलकर के सड़क पे आएंगे नहीं, क्योंकि अब समय आ गया है कि RSS का जो ढका छुपा चेहरा होता था, जो फासिस्ट और मनुवादी चेहरा होता था, वो खुल करके सामने आ रहा है। अब वो
असल में उनकी चिंता दूसरी है, उनकी चिंता अब ये नहीं है कि हमको पेशवाई का राज कायम करना है कि नहीं करना है, वो तो बात की बात, उनका यह है कि भाई दलित या पिछड़ी जातियों के लोग मुख्यमंत्री कैसे बन जा रहे हैं, कैसे इनके लोग इतने सांसद निकल के आ जा रहे हैं, कैसे इनके लोग अफसर बन जा रहे हैं। ये जो दास सिस्टम वाले लोग थे, जो हमारे शूद्र थे, जो अछूत जिनको हम मानते थे, आज उनको हमको सलाम बजाना पड़ रहा है, सबसे बड़ा फिर वहां है उसको लेकर के ये। लेकिन अब ये बातें उनको समझाएगा कौन, दलित जातियों के लोगों को, ओबीसी के लोगों को कौन समझाएगा, कौन पोलिटिकल सिस्टम इस बात की तैयारी करने को तैयार है कि हम उनको समझाया जा सके कि भाई जिनके हाथ में तुम खेल रहे हो, जिनके लिए तुम तलवारें भाज रहे हो, लाठियां भाज रहे हो, वो तुम्हारे वर्ग हितों के विरुद्ध हैं, एक एक सरकारी उपक्रमों को बेच रहे हो, उपक्रमों को, बेरोजगारी तुम्हारी बढ़ेगी, आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाएगी, नौकरी ढूंढे नहीं मिलेगी तुमको, ये बात कौन समझाएगा। तो असल वही है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का ये फेल्योर है जिसका फायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के लोग उठा रहे हैं। जी राजू जी, भाजपा के लोग उठा रहे हैं और मूल मुद्दों से भटका